सर जी देवेंद्र, क्या रहा लास्ट वीक? 5 ट्रेड 5 ट्रेड थे सर। सिक्स एक दो, दो हाँ, टोटल कितने? 5। ओके, स्टॉप लॉस कितने के? 5 में से 2। ठीक है, बाकी 3 में सेफ थे। सेफ है। और 3 ये कौन से हैं स्टॉक्स? बजाज फिंसर, मारुति, एशियन पेंट। नहीं, ये 2 जिसमें एसएल गया। अच्छा, ग्रासिम और रिलायंस। क्यों गया था? मतलब एक तो इसमें एक रिलायंस में पता नहीं सर वही अर्ली एंट्री हुई थी या नहीं क्या, वो लेवल के ऊपर ही लिया था। बताइए हमको, और मतलब आपकी नज़र में क्या था? ये जेन्युइन स्टॉप लॉस था या आप इसको कैसे डिफेंड करोगे? लेवल की सर लेवल के ऊपर 945 के ब्रेकआउट पे लिया था। उसमें मेरे ख्याल से उसमें वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं हुआ था, वापिस आके उसने वो एसएल ले लिया रिलायंस। और इसका ग्रासिम का ये ग्रासिम स्पेसिफिक रीजन, अगर रीजन इन द सेंस कि क्या वो चीज पकड़ पाए कि जिसको कि इम्प्रूव किया जा सकता है नेक्स्ट ट्रेड में? हाँ सर वो तो हो गई थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो ट्रेड हमने जिसमें किए थे ना सर, हम्म हम्म जिसमें प्रॉफिट हुआ है, हम्म, उसको थोड़ा डिस्कस करना था। क्योंकि क्या होता है सर कि प्रॉफिट जो हो जाता है वो सही तरीके से हो तो वो ज़्यादा ठीक है। स्टॉप लॉस तो समझ में आ ही जाता है। नहीं, स्टॉप लॉस जरूरी होता है, अच्छा तो सारी कहानी स्टॉप लॉस में। आपको स्टॉप लॉस वाला हम तो ट्रेड सर डिस्कस करेंगे। एक क्रिटिकल ट्रेड रिलायंस का देख लीजिए। अच्छा, जब ये डिस्कस करेंगे तो वो वाला ऑटोमेटिक कवर हो जाता है, समझ में आ जाता है कि वो सही था या गलत था। हाँ, रिलायंस को कब किया था ट्रेड? ये अभी लास्ट जो लास्ट ट्रेडिंग ओके, सेशन था बाई किया था आपने? बाइक कोई कंफर्मेशन तो नहीं यहाँ। है पर यहाँ पर हाँ वो इसी इसी के ऊपर ही वो 945 का ब्रेक है। 940, सिर्फ 945 का ब्रेकआउट हुआ था, इसी वजह से कर दिया आपने। हाँ हमने क्या कहा था कि 945 का नेकेड यूज मत कीजिए, 945 के साथ में कोई एक रेजिस्टेंस बनने दीजिए। जी अब जैसे यहाँ पर देखो 945 की कैंडल बनी, इधर हाँ देख लो एक मदर कैंडल भी फॉर्म हो रही हाँ है ना? साथ ही साथ आपको यहाँ पर जी कोई फॉर्मेशन अपनी दिख रही है हाँ विच इज ये कॉल्ड रेजिस्टेंस पॉइंट। हम लोग 945 का यूज इसके साथ में करते हैं। अब अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आप नेकेट सिर्फ 945 ऊपर की तरफ ब्रेक हुई, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ये सही बात नहीं है। तो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था ना। हाँ ये अच्छा ये मैं गलती हो गई। ये जेन्युइन स्टॉप लॉस नहीं, ये आपकी गलती की वजह से है। गलती की वजह से मतलब थोड़ी जल्दबाजी कर गई। हाँ, मतलब ये कुछ ऐसा तो नहीं कि अभी भी हमने आपको बताया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो मेरी गलती के कारण वो पेशेंस नहीं रख पाया और वो तुरंत कहीं ट्रेड निकल ना जाए इस तरीके मुझे कंफर्मेशन नहीं ट्रेड सेक्रीफाइस हो जाए, मिला। गलत ट्रेड नहीं, वरना वही सारी बात है कि अब एक ही बात रिपीट करनी पड़ती है बार बार। तो आपको खुद ही पता है। देखिए, अब गलत ट्रेड आप हाँ मान लीजिए गलत तरह से आप ट्रेड एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट बना लेते, 945 का ब्रेकआउट हुआ और ये नीचे नहीं आता, ये ऊपर चला जाता। अब पता है आप नेक्स्ट ट्रेड में भी यही काम करते। हाँ सर यही सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है अगर गलत ट्रेड ले लेते। तो ये अच्छा हुआ जो इसमें स्टॉप लॉस चला गया। आप नेक्स्ट के लिए आप थोड़ा सा अपने आप को बेटर ट्रेड कर पाओगे। 945 के साथ में किसी भी स्पेसिफिक कैंडल के साथ में आपको वहां पर एक रेजिस्टेंस के कंफर्मेशन ले लिया करो, तब काम करो। समझ में आया ना? ठीक हम्म, अच्छा हो जाएगा। हर्ष, माइक कन्वर्ट कीजिए अपना। बढ़िया है, 5 ट्रेड से 2 स्टॉप लॉस, 3 सेफ रहे। रिलायंस का और भी बेहतर ट्रेड हो सकता था, या तो ये ट्रेड होता नहीं अब, या फिर ये और अच्छी तरह से किया जा सकता था, मतलब रेजिस्टेंस टूट जाए तो कर सकते थे हम लोग। ये इम्प्रूव कर लिए, ये बेहतर हो जाएगा। मतलब कोई ऐसा ब्लेंडर नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें ये सब, चीज़ें सही होने में समय लगाती हैं। हर्ष, हर्ष आवाज़ आ रही है आपको? हर्ष माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो हर्ष, आवाज़ नहीं आ रही। हर्ष हर्ष फिर से अनम्यूट कीजिए। हेलो, नहीं आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप डिसकनेक्ट करके वापस से रिकनेक्ट कीजिए। अगर ईयरफोन वगैरह कुछ लगा तो उसको निकाल दीजिए। गुधा साहब हेलो सर जी हाँ, सर मैंने ट्रेड नहीं किया सर। हाँ गोदावरी जी, सॉरी आप ये फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं ना मेरे साथ, इससे पहले आपने ट्रेड डिस्कस नहीं किया एक भी बार। नहीं सर, आपसे कॉल पर बात हुई थी मेरी? हाँ सर, लास्ट टाइम वो पहले टाइम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए कॉल की थी। कितने ट्रेड हुए आपके लास्ट वीक? हम मतलब अभी जब हम आपसे डिस्कस करेंगे ना तो बिल्कुल भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं मेरी कि आपने बहुत अच्छे ट्रेड किए होंगे, क्योंकि सर अच्छा नहीं हुआ, मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुआ अभी तक। लोअर टाइम फ्रेम में कौन सा कॉन्सेप्ट्स यूज करना है, अच्छा, टोटल कितने ट्रेड किए कंफ्यूजन लास्ट वीक? सर एक ही ट्रेड किया। ओके, क्या हुआ था इसमें? एसएल गया था या सिप था? हाँ नहीं सर, एसएल नहीं किया। एसएल नहीं गया। क्या स्टॉक का नाम क्या था? बैंक ऑफ बड़ौदा। कब किया था आपने इसको? सर 23rd सर, लास्ट डे। बाई किया था? सेल किया था। सेल किया, अच्छा इस दिन 23 तारीख को। क्यों किया था सेल आपने? सर ये हायर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस दिखा। प्राइस बोलिए अपने डे टाइम फ्रेम का। डेली डेली का प्राइस बोलिए। सर फर्स्ट ऑफ का एक रेजिस्टेंस है, 20 का हाई ही हो सकता है। आपने नोट नहीं किया था गोदावरी जी, अगर एरिया ये था 255.05 तो बिल्कुल परफेक्ट था। हाँ सर बिल्कुल सही ट्रेड था ये। आपने नोट नहीं किया था एंट्री का प्राइस क्या था, डे टाइम फ्रेम का प्राइस क्या था? नहीं सर नहीं। छोड़ दीजिए, ट्रेड तो ठीक था, एक ही ट्रेड किया था ना आपने? हाँ सर एक ही ट्रेड। और कीजिए, और ट्रेड्स कीजिए कम से कम, मतलब मिनिमम बोलिए। हाँ सर जो कॉन्सेप्ट है सर आपने दिया है हाँ, वो हाँ, लोअर टाइम फ्रेम कौन सा वाला कॉन्सेप्ट यूज करके ठीक रहेगा? तो बहुत बेसिक सी चीज है। चलिए कॉलिंग सेशन जब होगा तो ये सारे क्वेश्चन कीजिएगा आप हमसे, सबका फिर टाइम वेस्ट होगा। कॉलिंग सेशन आपका होगा तो उसमें क्लियर कीजिएगा हमसे। धर्मेश जी सही है गोदावरी जी, जो आपका एनालिसिस था इस जगह से जो शॉर्ट किया है, प्राइस एक रेजिस्टेंस पर आपको देखा, आपने शॉर्ट कर दिया। चलिए हेलो 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 सर, आवाज आ रही है? जी हाँ बस। धर्मेश जी कितने ट्रेड हुए लास्ट वीक? माइक अनम्यूट कीजिए अपना। हेलो सर। हाँ धर्मेश जी कितने ट्रेड हुए लास्ट वीक? 5 ट्रेड किए थे सर। स्टॉप लॉस कितने गए उसमें? एक भी नहीं गया था। कोई डाउट इन 5 ट्रेड्स को लेकर के? नो सर, सर जो ट्रेड किए थे सारे जो हमारे तरफ में ही गए थे मेरे, मतलब के सब में गेन ही हुआ था। ठीक है बढ़िया। लास्ट वीक भी आपके 4 ट्रेड थे? यस सर। लास्ट वीक की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। हाँ सर याद है। हाँ, उसके पहले आपने 3 किए थे जिसमें एक एसएल दिया था आपने। यस सर। चलिए मतलब ओवरऑल देखे तो ठीक है, इसी को कंटिन्यू कीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा चीजें ऐड ऑन करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये कंफर्मेशंस ले लें, वो कंफर्मेशन ले लें, जितना है बहुत है। यस। और सर एक चीज पूछनी थी। हेलो हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर मैं एक ही कॉन्सेप्ट पे वर्क करता हूँ, जो मदर कैंडल बनती है उसके बाद ही ट्रेड मारता हूँ, तो वही कंटिन्यू रखूँ कि कोई और कंटिन्यू सर? मदर कैंडल जहाँ बने मत कीजिएगा, जैसे 945 के लिए हमने बताया ना आपको। यस सर। प्राइस का एक रेजिस्टेंस पर होना जरूरी होता है, वैसे ही कई बार देखो मदर कैंडल भी आपको मिलेंगे लेकिन वो रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करेंगे। यस सर, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। हाँ अच्छा सर एक और चीज पूछनी थी। मैं बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, कई बार मंथली हो गया, 3 मंथ भी हो गया, तो क्या वो भी सही होगा? सही होगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट में इसके लिए? स्विंग विंग के लिए तो ठीक होता है, लेकिन इंट्राडे के लिए मंथली और 3 मंथ्स पर जाना सही होगा। ओके सर ध्यान रखूंगा। मतलब ये करते थे ये काम, मतलब ऐसे ही हम आपसे नहीं बोल रहे 3 मंथ या मंथली के लिए, ये काम हम भी करते थे। हम ईयरली पर चले जाते थे, ईयरली पर चले गए, 6 मंथ पर चले गए, 3 मंथ पर भी हमने खूब लेवल्स वगैरह ड्रॉ करके, लेकिन जब इंट्राडे के लिए काम करें तो बाद में पता चले ये सारी चीजें फिर यूजलेस हो जाती। ओके सर। डे टाइम फ्रेम मोर देन इनफ, उसके ऊपर जाने तो आप वीकली पर चले जाओ। ठीक है सर। ओके धर्मेश जी बढ़िया है, अच्छा करो आप। 5 किए हैं, 0 स्टॉप लॉस, सभी में स्टॉप लॉसेस सेफ हैं आपके। वेरी गुड, ओके थैंक यू सर। ओके धर्मेश। सोनू साहब माइक कम्यूट कीजिए। आपके लगातार हमें लास्ट वीक सारे ट्रेड्स मिले हैं सोनू साहब टेलीग्राम पर। हाँ सर आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ बिल्कुल क्लियर। कितने ट्रेड? हाँ सर लास्ट 4 ट्रेड्स हुए थे मेरे। स्टॉप लॉसेस चारों में किसी में भी नहीं गए सर। बहुत बढ़िया। आपके ट्रेड एक ट्रेड था। हाँ जी सर मैं वो जो भी ट्रेड लेता हूँ मैं आपको पोस्ट कर देता हूँ। हाँ 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 मैं इनफैक्ट लास्ट वीक का मेरा टारगेट यही था कि जो आपने लास्ट वीक जो फॉर्मेशंस सिखाए थे वो फॉर्मेशंस के बेसिस पे मैं ट्रेड लूँ। तो मुझे 2 मिले थे उसमें और बाकी जो था वो फॉलिंग रोज या डिक्रीजिंग वॉल्यूम्स के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया। बहुत बढ़िया। एक ट्रेड था सर जो मेरा छूट गया था, मतलब मुझे समझ में नहीं पड़ा कि मुझे वो लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। नाम बताइए। उसमें भी अपने फॉर्मेशन ही बने थे ICICI बैंक। मैंने इवेंचुअली इसमें ट्रेड नहीं किया लेकिन मुझे ये मेरे डायरेक्शन में भी चला गया। डेट क्या थी? और सर ये फ्राइडे का ही डेट था। ये एरिया था आपका? यस सर। सेम लेवल था? नहीं, इसके पहले का जो कैंडल था ना ब्लैक कैंडल वो मेरा लेवल था, ब्लैक वाला ये वाला। हाँ उसके अंदर कंटिन्यूअसली वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा था और थर्सडे के दिन डिलीवरी वॉल्यूम के भी ब्रेकआउट्स थे। अच्छा क्यों नहीं कर रहे? अच्छा था ये। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया सर इसके अंदर कि क्योंकि इसने जब ब्रेकआउट दिया था लेवल का और वो जब चला गया था तो वो ऑलरेडी 1-1.5% के ऊपर चला गया था। तो मैं फिर समझा नहीं कि ये मुझे ऐसे ट्रेड्स लेने चाहिए इन फ्यूचर की लिए। छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। हाँ छोड़ दी इन द सेंस कि Nifty 50 का कोई स्टॉक अगर इस तरह की हरकत कर दो तो छोड़ दिया करिए। ओके Nifty 50 के बाद मेरा इसमें ना सर एक ऑब्जर्वेशन था कि जैसे अपने 945 का हाई लो है ना वो मैंने मार्क करके रख दिया था तो वो वही लेवल टेस्ट कर रहा था और वो घड़ी घड़ी आके हायर लो कर रहा था। तो मैंने ऐसे ही एक पेपर ट्रेड के हिसाब से सोचा कि हाँ ये यहाँ पे एंट्री बन सकता है, फिर वो तो अपसाइड ही चला गया। सही डिसीजन था, नहीं किया अच्छा किया आपने। हाँ फिर मैंने वो क्योंकि वो 945 का ब्रेकआउट किया था लेकिन उसने मेरे 950 के कैंडल का ब्रेकआउट नहीं किया था तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि ये ट्रेड लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए। मैंने एग्जैक्टली सेम लेवल्स जो आपने मार्किंग किया ना सेम लेवल्स मार्क करके रखे थे। उसने 945 का ब्रेकआउट तो दे दिया था लेकिन 915 के कैंडल के अंदर था जबकि उसने मेरे डेली लेवल्स को ब्रेकआउट किया था। तो इसीलिए ये मैंने ट्रेड छोड़ दिया, अगर वो लेता तो शायद 5 ट्रेड हो जाते। बहुत बढ़िया सोनू साहब, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो जिधर हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं शुरुआत से। ये चीज सभी लोग देखें, जितने भी लोग क्लास में हो सब लोग, मतलब कुछ इसी तरह का काम हम लोग करना चाहते हैं। अब सोनू साहब ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो इसमें इन्होंने किसी भी तरह का कोई थर्ड पार्टी यूज नहीं किया, मतलब कोई इंडिकेटर लगा लिया हो या किसी ने सिग्नल दिया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। उन्होंने सिर्फ अपना लेवल ड्रॉ किया, अपनी ऑब्जर्वेशंस लगाई। ये चीज़ हमने कही थी कि 915 का ब्रेकआउट जब तक किसी स्टॉक के अंदर ना हो तो ट्रेड मत करो। हो सकता है ज़्यादातर चांसेस रहते हैं वो साइड वे हो जाएगा। और अगर Nifty 50 का स्टॉक की मॉर्निंग में बड़ी कैंडल बना दे जैसे ICICI बैंक के अंदर हुआ है तो उसको भी मत छुओ बिल्कुल, वो भी गड़बड़ होता है। ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की हैं सोनू साहब। अब सेम चीज कंटिन्यू कीजिए, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मैं सर इसके बारे में ना आपसे अलग से बात भी करना चाहूंगा क्योंकि ये हमारी लास्ट क्लास है। मैं समझना चाहता हूँ कि मैं और कैसे जुड़े रह सकता हूँ आपके साथ क्योंकि मुझे बहुत हेल्प हुआ है प्राइस एक्शन समझने में, वॉल्यूम्स के कोरिलेशन में जब कैंडलस्टिक्स फॉर्म होते हैं जो मैं आज तक कभी नहीं देख पाता था लोअर टाइम पे। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे ट्रेडिंग स्किल के लिए अलग से एक आर्मरी ऐड हो गई है तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और इट इज हेल्पिंग। तो मैं आपसे दोबारा सर कनेक्ट करना चाहूंगा इन द कमिंग वीक, तो फिर मैं उससे बात करता हूँ आपसे। आप कॉल कीजिएगा, बात करते हैं। ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप जिस तरह से काम करो बहुत अच्छे से करोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हमसे बातचीत होना बंद हो जाएगी या हम आपको बिल्कुल ऐसा कर देंगे, हमेशा रहेगा जो डिस्कशन अपना, ये हमेशा चलता रहता है। जैसे आप हमें चार्ट अभी शेयर कर रहे हो, जैसे आप अपने ट्रेड अभी हमसे शेयर करो, वैसे ही शेयर करते रहोगे। कुछ चीज़ हम उसमें देखेंगे तो हम आपको बोल देंगे कि नहीं ये सही नहीं जा रहा है, यहाँ पर गड़बड़ी है। आपको लगे कुछ नहीं में बात करनी है, कॉल कर लिए सीधे। सिर्फ क्लास खत्म हो रही है ना, आपसी डिस्कशन खत्म होगा, ना बातचीत खत्म होगी, ना ही जो अपनी फाउंडेशन है वो टूटेगी। ठीक है सर। हाँ, उससे बेफिक्र रहिएगा बिल्कुल। ठीक है सर। ओके सुन साहब, बढ़िया। हाशिम साहब। हेलो सर जी। हाशिम जी। हेलो जी। हाँ हाशिम साहब, कितने ट्रेड हुए लास्ट वीक? हाँ 4 ट्रेड किया सर मैं। वेरी गुड। एसएल उसमें एक एसएल गया सर, एक स्टॉप लॉस। नाम बताइए स्टॉक का। अपोलो हॉस्पिटल सर। ओके, कब किया था ये? 23 तारीख को किया था वो सर। क्यों गया था स्टॉक? वो रेंज का ब्रेकआउट कर रहा था सर, 1+3 का। ठीक है, इसलिए बाय किया था सर। स्टॉप लॉस हिट हुआ। लास्ट डेट क्या थी? 23 सर। लास्ट डे टाइम फ्रेम का प्राइस बोलिए अपना। सर 68.64 कैंडल का कितना है? हाँ वो हाई वॉल्यूम आया था ना सर, उसको मास्टर कैंडल करके ट्रेड पकड़ा था सर उसमें। हाई वॉल्यूम ये वाली? हाँ सर, हम लोग पहले इस पे काम किया करते थे। एग्जीक्यूशन का प्राइस क्या था? 6895 सर। शॉर्ट किया था आपने? बाय किया था सर। अच्छा हाँ, बाय किया था। हाँ सर, ये सेल 6861 पे लगाया था सर। इतना बड़ा स्टॉप लॉस? हाँ वो थोड़ा गड़बड़ में लगा दिया सर। टेक्निकली तो सही है लेकिन फिर भी बड़ा स्टॉप लॉस है। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं हाशिम साहब। हाँ सर, छोटी छोटी ही बातें हैं जो ट्रेड्स को अच्छा भी कर देती हैं, और ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो बने बनाए सिस्टम को बिल्कुल बेकार कर देते हैं। सारे ट्रेड आपने अच्छे किए। यहाँ पर देखो, सिर्फ एक काम आप ये कर देते कि डे टाइम फ्रेम के लेवल के पास से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते, अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता तो। अब मान लो कि प्राइस आपका ऊपर खुला, अपसाइड की तरफ गया और वापस से देखो नीचे की तरफ। यहाँ अब इस जगह पर हमें चाहिए कि अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा ना तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। अब मान लो कि जैसे यहाँ पर देखो एक मदर कैंडल फॉर्म हो रही है, या जो फॉर्मेशन हमने आपको बताई थी, जैसे ये ब्लैक वाली कैंडल है, ये भी एक मदर कैंडल ही है, ये ऊपर की तरफ निकली। इस मदर कैंडल के अंदर देखो यहाँ पर भी वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं, यहाँ पर भी वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं। ये एक स्पॉट बन सकता था आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने का, लेकिन यहाँ पर भी नहीं करते क्योंकि अब ये टाइम ओवर हो चुका था ट्रेड करने का। ये हम कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहे हैं कि आपको स्टॉप लॉस चला गया है, स्टॉप लॉस नहीं जाता है, इसके पीछे का कोई भी एक्सक्यूज हम मनगढ़ंत कहानी आपको बना करके बता रहे हैं। मतलब ये हमने पहले बताया हुआ है ना कि कोई भी आप अपना एक्शन लो, अपने पॉइंट ऑफ एक्शन पर लो, उसका नाम ही पॉइंट ऑफ एक्शन है। हमने सही है सर, वो थोड़ा चूक गया सर मैं। बाकी के ट्रेड बहुत अच्छे हो गए सर। बहुत अच्छी फॉर्मेशन है आपकी जो 1+3 बताए थे सर, बहुत बढ़िया ट्रेड हो रहे हैं सर। उससे और बेहतर कीजिए, और ये छोटी छोटी चीजें ना इनको इम्प्रूव करिए। हाँ सर, ये है बेहतर। कहीं कहीं पर आप चूक जा रहे हो। जो आपके चार्ट्स भी मेरे पास आ रहे थे मार्केट के टाइम पर, वो भी ठीक थे, वो भी हम देख रहे थे लगातार। हाँ सर, वैसे ही करता हूँ सर। हाँ कंटिन्यू करिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ भी रहे, चलो बात करेंगे या यहाँ पर कन्फ्यूजन, बेझिझक कॉल करना, हमको मैसेज कर देना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके हाशिम सर। ओके सर। सुवारे जी, सुवारे सर बहुत कम आवाज आ रही है। एक मिनट, अभी आ रही आवाज? जी हाँ ठीक है। मैंने 3 ट्रेड किए थे। ठीक, स्टॉप लॉस नहीं गए एक पे। कोई डाउट? मेरा एक डाउट रैमको सीमेंट में किया था फ्राइडे के सेशन में। साइड भी हो गया मेरा। जो डेली टाइम फ्रेम का लेवल है वापस इस बार सब। हाँ आइए रीजन कीजिए, ठीक है।